नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 13 दिसंबर से। बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का तबादला। बिहार बोर्ड से इंटर की परीक्षा देने वाले जल्दी करा रहे रजिस्ट्रेशन। बिहार में बनकर तैयार होंगे गरीब परिवारों के आवास। रोहित शर्मा ने खोला सूर्य कुमार यादव का बड़ा राज। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 13 दिसंबर से। राज्य मंत्री परिषद के स्वीकृति दिए जाने के बाद बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र की शुरुआत 13 दिसंबर से की जाएगी, जो कि 19 दिसंबर तक चलेगी। इसे पहले दिन यानी 13 दिसंबर को विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा संबोधित किया जाएगा। इस दौरान ही उन दो विधायकों को शपथ दिलाया जाएगा जिन्होंने हाल ही में विधानसभा में अपनी जगह बनाई है। वहीं अगले दिन सरकार की ओर से कई विधेयक पेश किए जाएंगे। इसके साथ ही यह भी खबर सामने आई है कि सत्र में ही भाजपा विपक्षी दल बनकर महागठबंधन पर हमलावर होगा। आधी रात में भूकंप के तेज झटके। आधी रात 1:57 को बिहार समेत पूरे उत्तर और पूर्वी भारत में भूकंप के तेज झटके देखने को मिले। बता दें कि बिहार के ज्यादातर हिस्सों में लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए, जिनमें पटना, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, गोपालगंज, भागलपुर, पूर्णिया जैसे कई जिले मौजूद हैं। वहीं अगर भूकंप की तीव्रता की बात करें तो नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 6.3 मापी गई है। आधी रात को आए इस भूकंप का केंद्र नेपाल को बताया गया है, जहां धरती से करीब 10 किलोमीटर नीचे भूकंप आई थी। बताते चले कि इस भूकंप के झटके चीन समेत भारत के बिहार, दिल्ली, एनसीआर, यूपी, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, राजस्थान जैसे कई पूर्वी हिस्सों में महसूस किए गए। बिहार बोर्ड से इंटर की परीक्षा देने वाले जल्दी करा ले रजिस्ट्रेशन। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से वर्ष 2024 की इंटर परीक्षा में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन की तारीख घोषित कर दी गई है। अधिसूचना के अनुसार विद्यार्थी 9 नवंबर से 30 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके लिए बोर्ड के द्वारा सभी जिला शिक्षा अधिकारियों, इंटरमीडिएट स्कूल के प्राचार्य को निर्देश दिया गया है कि 11वीं के बच्चों का परीक्षा देने के लिए पंजीयन अनिवार्य है। पंजीयन यानी कि रजिस्ट्रेशन के बाद सभी परीक्षार्थियों को बोर्ड द्वारा निर्धारित शुल्क भी जमा करना होगा। वहीं अब इंटर और मैट्रिक की परीक्षाओं में केंद्राधीक्षक के रूप में केवल माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूल के प्राचार्य को ही किया जाएगा। बिहार में बनकर तैयार होंगे गरीब परिवारों के आवास। बिहार में अब जल्द ही गरीब परिवारों के लिए आवास बनकर तैयार हो जाएंगे। बीते दिन मंगलवार को ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार के द्वारा पटना के होटल चाणक्य के सभाकक्ष में समीक्षा बैठक की गई। इस बैठक में राज्य भर के उप विकास आयुक्तों के साथ विभागीय योजनाओं की समीक्षा की गई। इस दौरान उन्होंने सभी को लक्ष्य दिया है कि 31 दिसंबर तक पीएम आवास योजना के आवासों को पूर्ण कर दिया जाए। इसके साथ ही उन्होंने अधूरे पड़े 2,62,787 इंदिरा आवास का काम भी पूरा करने का टास्क दिया है। वहीं इंदिरा आवास योजना के तहत ग्रामीण विकास विभाग योग्य लाभार्थियों को आवासों को पूरा कराने के लिए अपने खजाने से 50,000 रुपए देगा। बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का तबादला। बीते दिन बिहार सरकार के द्वारा अधिसूचना जारी कर बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है, जिनमें कुल 61 अधिकारी शामिल हैं। इन 61 अधिकारियों में वरीय उप समाहर्ता, अपर समाहर्ता, उप निदेशक और भूमि सुधार उप समाहर्ता स्तर के अधिकारी शामिल हैं। अब प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को अपर समाहर्ता, लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के अलावा दूसरे पदों पर तैनात किया गया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के ओएसडी सुबोध कुमार को अपर समाहर्ता लोक शिकायत गया के पद पर पोस्टिंग गई है। वहीं पटना में ही वरीय उप समाहर्ता के रूप में पदस्थापित प्रवीण कुंदन को भूमि सुधार उप समाहर्ता पटना सिटी बनाया गया है। बिहार के डीजीपी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की मीटिंग। आज यानी बुधवार को बिहार के डीजीपी एसके सिंघल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जोनों और जिलों के वरीय पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने सभी को संबोधित करते हुए पुलिसिंग में संचार कौशल की चर्चा की। उन्होंने कहा कि पुलिस पदाधिकारी में उत्कृष्ट संचार कौशल का गुण होना जरूरी है, इसी से कार्यों में प्रखरता आती है। इसके साथ ही उन्होंने क्षेत्रीय पदाधिकारियों को 16 नवम्बर 2022 को मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्ति पत्र सौंपे जाने के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर दिशा निर्देश दिया है। इन सब के अलावा उन्होंने महिला पुलिस कर्मियों के लिए निर्मित शौचालयों को सर्वे कर कमी को अविलंब दूर करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया है।
15 नवंबर से शुरू होगी धान की खरीद। बिहार की राजधानी पटना में धान की खरीद 15 नवंबर से शुरू होने वाली है। ऐसे में बीते दिन मंगलवार को डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह के द्वारा धान खरीद की तैयारी की समीक्षा कर ली गई है। जिला सहकारिता पदाधिकारी को सभी पैक्स और व्यापार मंडल की समीक्षा करने का निर्देश दिया गया है, जिसके बाद उनके द्वारा बताया गया है कि अब तक 70 मिलर का नामांकन किया जा चुका है। वहीं पटना जिले में धानों के लिए 14 CMR गोदाम का चयन किया गया है, जिसकी क्षमता 57,500 मीट्रिक टन है। बिहार के सरकारी विद्यालयों की बदली सूरत। प्रमंडलीय आयुक्त दयानिधान पांडे के द्वारा शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया गया था कि वे सभी स्कूलों का नियमित निरीक्षण करें, जिसके बाद अब सरकारी स्कूलों की सूरत बदलने लगी है। अब यहां भी शिक्षक समय से पहले आने लगे हैं। वहीं वैसे शिक्षक जो विद्यालय नियमित नहीं आते थे, वे भी आने लगे हैं। इस दौरान अक्टूबर के महीने में भागलपुर जिला के शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने 337 विद्यालयों का निरीक्षण किया, जिसमें यह पाया गया है कि जो शिक्षक अनुपस्थित थे, उन्हें एक दिन के वेतन को काटा गया है। वहीं सभी से स्पष्टीकरण भी मांगा गया। बिहार के नए DGP की तलाश हुई तेज। अगले माह यानी कि दिसंबर की 19 तारीख को फर्जी फोन कॉल के कारण चर्चा में रहने वाले बिहार के DGP एस के सिंघल रिटायर होने जा रहे हैं। ऐसे में अब बिहार के नए DGP की तलाश में तेजी आ गई है। बता दें कि बिहार सरकार के द्वारा 10 नामों की सूची संघ लोक सेवा आयोग को भेज दी गई है, जिनमें से किसी एक का चयन बिहार के नए DGP के रूप में किया जाएगा। लेकिन इन 10 नामों में से वे 3 नाम ऐसे होंगे जिन्हें सूची में सबसे ऊपर रखा जाएगा, जिनमें पहला नाम 1987 बैच के मनमोहन सिंह का है। वहीं दूसरे और तीसरे नंबर पर DG आलोक राज और RS भट्टी का है, जिसके बाद यह अनुमान लगाया जा रहा है कि बिहार का नया DGP RS भट्टी या आलोक राज में से किसी एक को बनाया जा सकता है। 23वीं के जन्मदिन पर CM नीतीश का ऐलान। आज यानी बुधवार को बिहार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने पंचायती राज और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के लिए चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह ऐलान किया है कि तेजस्वी यादव जिस बहाली की बात कर रहे थे, वे जल्द ही पूरा होने वाला है। जहां भी पद खाली होगा, उन सभी पदों पर भर्ती की जाएगी, जिसके बाद आप लोगों को नजर आ जाएगा कि हमने लाखों में बहाली की है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 9 तारीख को तेजस्वी यादव का जन्मदिन है, इसलिए हमने आज की तारीख को ही दोनों विभागों का एक साथ नियुक्ति पत्र देने का निर्णय लिया। इस दौरान इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डिप्टी CM तेजस्वी यादव और पंचायती राज एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के मंत्री शामिल हुए। साधु यादव ने लालू परिवार पर बोला हमला। बिहार के गोपालगंज उपचुनाव में हुई अपनी पत्नी की हार के बाद साधु यादव ने लालू परिवार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि लालू परिवार मुझे हर दिन अपमानित करता है, हर दिन अपमानित करने से अच्छा है वे मुझे गोली से क्यों नहीं मार देते। वहीं लालू यादव की बेटी रोहिणी सिंगापुर में रहती है और वहां से वे बिहार की राजनीति के बारे में बातें करती हैं। अगर उनमें काबिलियत है तो वे बिहार आए और यहां राजनीति करें। दरअसल गोपालगंज में मिली हार के बाद रोहिणी आचार्य ने अपने मामा साधु यादव पर तंज कसते हुए कहा था कि इस बार तो मामा कंस श्री कृष्ण के प्रकोप से बच गए, लेकिन अगली बार मिट्टी में मिल जाएंगे। कुटनी उपचुनाव पर चिराग पासवान ने लिया बड़ा फैसला। 5 दिसंबर को मुजफ्फरपुर के कुटनी की सीट पर उपचुनाव होने जा रहा है। ऐसे में सभी राजनीतिक दलों की निगाहें इन पर टिकी हुई है कि कौन कौन से चेहरे इस चुनाव में उतारे जाएंगे। बता दें कि अब तक यह तय कर लिया गया है कि इस सीट पर भी राजद की ओर से ही कैंडिडेट को उतारा जाएगा। वहीं भाजपा भी इस चुनाव को लेकर पूरी तरह से तैयार है। इसके साथ ही अब चिराग पासवान ने भी फैसला ले लिया है कि वे अपने कैंडिडेट को इस सीट से उतारेंगे या नहीं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चिराग पासवान ने यह साफ कर दिया है कि कुडनी में भी उनकी पार्टी की ओर से कोई कैंडिडेट नहीं उतारा जाएगा, उनकी पार्टी NDA के उम्मीदवार के साथ खड़ी रहेगी। तेजस्वी यादव आज जाएंगे दिल्ली। आज यानी 9 नवंबर को बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का 33वां जन्मदिन है। ऐसे में वे अपने जन्मदिन मनाने के बाद अपने पूरे परिवार के साथ समय बिताने के लिए आज दिल्ली जाने की तैयारी में है। बता दें कि लालू प्रसाद यादव, पति राजश्री यादव और बहन मीशा भारती दिल्ली में ही है। बताते चले कि तेजस्वी यादव के जन्मदिन के मौके पर पटना में हैप्पी बर्थडे के पोस्टर लगाए गए हैं। वहीं बिहार भर में पार्टी के नेता और उनके समर्थक केक काटकर तेजस्वी यादव का जन्मदिन मना रहे हैं। इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने अपने 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास पर आधी रात को बड़े भाई तेज प्रताप यादव और मां राबड़ी देवी के साथ बर्थडे केक काटा और उनका आशीर्वाद लिया। रोहित शर्मा ने खोला सूर्य कुमार यादव का बड़ा राज।
इंग्लैंड के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप 2022 के दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले से पहले टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव को लेकर एक बड़ा राज खोला है। उन्होंने कहा है कि यह एक ऐसा आदमी है जो बहुत शॉपिंग करता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सूर्य कुमार यादव ने मुझसे कहा था कि उन्हें छोटे नहीं बल्कि बड़े ग्राउंड पसंद है क्योंकि वहां उन्हें बड़ा गैप दिखाई देता है और अब जब उन्हें बड़े ग्राउंड पसंद है तो इसलिए वे ऑस्ट्रेलिया में खूब रन जुटाने में सफल हो पा रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सूर्य कुमार यादव ने अब तक 5 मैचों में भारत के लिए कुल 225 रन बनाए हैं। जानिए आज बिहार में क्या है पेट्रोल डीजल के रेट। बिहार में आज यानी कि बुधवार को पेट्रोल डीजल के रेट जारी किए गए जिसके बाद राजधानी पटना समेत मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, समस्तीपुर, बेगूसराय, छपरा, मोतिहारी, बांका, जहानाबाद, दरभंगा, किशनगंज, मधुबनी और बेतिया जिले में पेट्रोल डीजल के दामों में गिरावट आई है। जहां पटना में पेट्रोल की कीमत में 53 पैसे तो वहीं डीजल में 50 पैसे प्रति लीटर की गिरावट देखने को मिली है जिसके बाद पटना में पेट्रोल की कीमत 107.59 रुपए और डीजल की कीमत 94.36 रुपए हो गई है। इसके साथ ही मुजफ्फरपुर में पेट्रोल डीजल 24 पैसे और 22 पैसे प्रति लीटर से सस्ता हुआ है। हालांकि कुछ जिलों में तेलों के दामों में बढ़ोतरी भी हुई है जिनमें गया और पूर्णिया शामिल है। गया में पेट्रोल के दाम में 4 पैसे और डीजल में 3 पैसे प्रति लीटर का इजाफा हुआ है। पूर्णिया में भी पेट्रोल 44 पैसे और डीजल 41 पैसे प्रति लीटर की दर से महंगा हो गया है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है उमेश ऋषिदेव, मृत्युंजय कुमार, नुन्नु गोलू कुमार, रंजीत मिश्रा, मुतुल रंगीला, शंकर मुखिया, सरिता पासवान, मोहम्मद सकीर हुसैन, कुलदीप कुमार, केके सिन्हा, राजकुमार प्रसाद, सिफोन कुमार, बाबूलाल मरांडी, मोहम्मद नौशद राजा, अनवर करीम खान। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, चिराग पासवान के द्वारा कुटनी सीट पर बीजेपी के पक्ष में प्रचार करने पर बीजेपी को क्या लाभ मिल सकता है। आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।